हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबों का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो हमारा मॉडल वर्ब्स का सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने मॉडल वर्ब्स के कई ऐसे यूजेस बताए हैं, तो आज हम लोग मे और माइट का यूज़ देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग आइए मे और माइट का यूज़ देखते हैं और ये जानते हैं कि मे का यूज़ और माइट का यूज़ हम कहाँ और कब करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मे का यूज़ कहाँ करेंगे। तो मे का यूज़ जहाँ पर कोई भी संभावना हो, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी हो, इसके बाद कोई भी हम प्रार्थना, किसी से हम प्रे कर रहे हो या फिर किसी को अभिशाप देते समय, या फिर कोई अभिलाषा हो, या फिर हमारा कोई डिज़ायर हो। क्या हो? डिज़ायर मीन्स हमारा जो इच्छा है उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मॉडल वर्ब्स, एक्सिलरी मॉडल वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। तो आइए हम जो पहला स्लाइड देखेंगे उसको देखते हैं, और सबसे पहले हम मे का यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जांपल है, जो आप लोग जनरली ये जानते हैं, ये क्या है? मे आई कम इन सर। तो आप जब स्कूल में होते हैं या फिर कोई भी क्लास में होते हैं, तो आप जब प्रवेश करने के लिए अनुमति मांगते हैं सर से या कोई टीचर से, तो आप क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर, ये क्या शो कर रहा है? आप वहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं टीचर से। तो यहाँ पर परमिशन मे किसको यूज शो कर रहा है? परमिशन को। मे किसको शो कर रहा है? परमिशन को। इसके अलावा दूसरा जो सेंटेंस है हमारा, यस यू मे कम, यस यू मे कम। तो यहाँ परमिशन, जो अनुमति मिला है, अनुमति यहाँ पर परमिट किया गया है। तो यहाँ हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या? अनुमति, जो परमिशन को एक्सेप्ट किया है वो शो कर रहा है मैं। अब हमारा दूसरा हो गया। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? मे यू गो आउट प्लीज। तो यहाँ पर उसको हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप बाहर जा सकते हैं, क्या आप बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ हमें रिक्वेस्ट को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? रिक्वेस्ट। उसी प्रकार से हमारा जो चौथा सेंटेंस है, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं क्या जी का? बैठने का हम परमिशन आस्क कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत हो, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों का प्रॉब्लम जान सकूँ, समझ सकूँ और उसे सॉल्व कर सकूँ। आइए हम आप और कुछ मे का यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर मे का यूज़ दिया हुआ है, जैसे कि मे आई सिट हियर, इसको हमने देख चुका है। तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर। तो यहाँ मे है क्या? किसको शो कर रहा है? संभावना या फिर इसको परमिशन को। यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो यहाँ परमिशन, बैठने का परमिशन मांग रहा है, अनुमति। हमारा अगला जो चौथा नंबर का सेंटेंस है वो क्या है? मे यू गो आउट प्लीज। तो यहाँ पर क्या आप बाहर जा सकते हैं, इसमें बोल रहा है रिक्वेस्ट कि आप बाहर जा सकते हैं या नहीं। अगला है नो यू मे नॉट गो आउट। तो यहाँ पर मे क्या कर रहा है? वो प्रोहिबिटेड कर रहा है, मीन्स मना करने को शो कर रहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ मे क्या शो कर रहा है? कभी भी मना कर रहा है, वो भी पोलाइट मैनर में। पोलाइट मैनर में आप कभी भी कोई सेंटेंस बोलेंगे तो हमेशा आप मे का यूज़ करेंगे, पोलाइट मैनर को शो करता है मे। अगला हमारा जो यूज़ है वो क्या है? माइट का यूज़। तो माइट हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे इसको, आइए हम देखते हैं। तो माइट का यूज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर संभावना है, लेकिन वो बहुत कम ही संभावना रहता है, जहाँ लेस चांस रहता है, लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे?
माइट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा फिर विनम्रता के लिए मीन्स हम जहाँ विनम्रता को शो करेंगे या फिर उसको क्या बोलेंगे, विनम्रता को अगला दूसरा वर्ड उसका क्या होता है, पोलाइटनेस को। उसके अलावा और यहाँ क्या है, निवेदन। जब हम कोई भी निवेदन किसी से करते हैं तो वहाँ भी हम माइट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ कोई भी कल्पना, कोई भी डिज़ायर, हम अगर कोई इमेजिन करते हैं या कोई कल्पना करते हैं उसको अगर हम दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो वहाँ भी हम माइट का यूज़ करेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो हम जहाँ पर बहुत ही कम संभावना होता है कोई भी इवेंट का या फिर कोई भी क्या कोई भी घटना अगर बहुत कम ही संभावना होने का रहता है तो वहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे। आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा कि माइट का यूज़ हम कब करेंगे और कहाँ करेंगे। तो आइए हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि माइट आखिर हम कब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। तो यहाँ पर माइट मीन्स सकता तो है लेकिन हो सकता है उसका क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है, उसका संभावना बहुत कम है। बारिश होने के चांस हैं आज लेकिन बहुत कम ही चांस है कि आज बारिश हो भी सकती है। अगला हमारा सेंटेंस है, माइट आई टेक योर पेन। तो माइट आई टेक योर पेन, यहाँ माइट हमारा संभावना को दिखा रहा है या परमिशन भी यहाँ पर शो कर रहा है, क्या मैं आपका जो पेन है वो ले सकता हूँ, कलम ले सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, परमिशन यहाँ मांग रहा है, लेकिन वो परमिशन में संभावना बहुत कम है कि वो पेन अगर मांग रहा है तो मिल ही जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ परमिशन मांग रहा है लेकिन संभावना बहुत कम है कि उसको मिल ही जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है, दे माइट इनवाइट यू, दे माइट इनवाइट यू, दे माइट इनवाइट यू। दैट मीन्स जो इनविटेशन है मे भी आपको वो इनवाइट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपको इनवाइट करेंगे ही, ये जो संभावना है इनवाइट करने का क्या है, संभावना। तो यहाँ माइट संभावना को शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी वो भी किस प्रकार का पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। अगला हमारा सेंटेंस है नेक्स्ट, यू माइट फेल इन द फाइनल एग्जाम, यू माइट फेल इन द फाइनल एग्जाम। तो यहाँ माइट जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, हमारा पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, संभावना को, कि अगर आप एग्ज़ाम अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करते हैं, उसका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते हैं, तो मे भी आप चांस है कि आप फेल भी हो सकते हैं। एकदम ये कंफर्म नहीं है लेकिन कुछ कम संभावना है, थोड़ा मोड़ा संभावना है कि आप एग्ज़ाम में अगर अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो फेल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ माइट लेस पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। अगला हमारा जो सेंटेंस है, इट माइट रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो। तो यहाँ भी संभावना है कि कल हो सकता है, ये एकदम कंफर्म नहीं है कि कल बारिश होगी ही होगी, लेकिन संभावना है, वो भी थोड़ा कम ही संभावना है बारिश होने की, तो माइट यहाँ भी संभावना को शो कर रहा है। अगला हमारा सेंटेंस है, शी माइट कुक फूड, शी माइट कुक फूड। तो यहाँ पर भी संभावना है कि मे बी वो क्या खाना पका सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि वो पका ही लेगी लेकिन पका सकती है, शायद अगर पकाने उनको अच्छे से पता है तो शायद वो पका सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि वो पकाएगी ही, बट पकाने की क्या है यहाँ संभावना है, देयर इज पॉसिबिलिटी टू कुक। अगला हमारा जो सेंटेंस है, योर ट्रिक माइट नॉट वर्क, योर ट्रिक वर्क नॉट, योर ट्रिक्स माइट नॉट वर्क हियर। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिक है वो काम नहीं कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने ट्रिक दिया है वो काम करेगा ही करेगा, मे बी वो काम ना करे, ये संभावना है सिर्फ कि आपने जो ट्रिक दिया है वो काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो बहुत कम ही संभावना है कि वो काम कर ही लेगा। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। फ्रेंड्स, आप लोग अगर वीडियो को पसंद किए हैं, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो
तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को, इंग्लिश इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को समय पर वीडियो मिल सके, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस को डालूं तो आप तक ये नोटिफिकेशन आ सके। तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।